कपिला गोदावरी दो नदी का संगम, ये दो नदी के संगम के ऊपर रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसका नाक कट गया था, नाक काट के गोदावरी के बैक साइड डाल दे, इसके लिए शहर को बोलते नासिक, नाक काटने से नासिक गिर गया, इसको पद्मनगर बोलते थे। जय जगन्नाथ, दिल्ली ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे गोदावरी नदी। अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में। इस ब्लॉग में हम लोग जानेंगे पंचवटी आप लोग कैसे घूमेंगे, पंचवटी घूमने में आप लोगों का कितना खर्चा होगा। मेरा चैनल पे अभी नासिक का सीरीज चल रहा है, पूरा चैनल पे अगर आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र का सीरीज चल रहा है। महाराष्ट्र के सीरीज़ में मैं रुक के महाराष्ट्र के जितने भी जगह में घूम रहा हूँ, तो महाराष्ट्र के नासिक में अभी घूमने के लिए मैं आया हूँ। नासिक का मेरा पिछले ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा, मुक्तिधाम दर्शन करने के बाद हम लोग त्रयंबकमेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए गए थे। त्रयंबकमेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद अभी आए हम लोग पंचवटी दर्शन के लिए, तो पंचवटी अभी हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा में फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा आईडी है दिलुस ब्लॉग। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपको हर वक्त देखने को मिलेगी। चलिए अभी चलते हैं पंचवटी दर्शन के लिए। त्रयंबकमेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं पंचवटी दर्शन के लिए। त्रयंबकमेश्वर ज्योतिर्लिंग से पंचवटी का दूरी है लगभग 30 किलोमीटर। आप लोग नासिक कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, घूमने के लिए आपका कितना खर्चा होगा, गाड़ी कैसे करेंगे, पिछले ब्लॉग में मैंने पूरी जानकारी दे दिया हूँ। ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और पूरा महाराष्ट्र सीरीज का ब्लॉग जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। नासिक के साथ पूरा महाराष्ट्र टूर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ जानकारी आप लोगों को दे दूँ, पंचवटी के अंदर घूमने के लिए आपको जो पर्सनल गाड़ी आप लोग लेके आए या रेंट में गाड़ी लेके आए, गाड़ी आपका अंदर अलाउ नहीं है। उस गाड़ी को आपको गोदावरी नदी के किनारे जहाँ पर कुंभ मेला होता है वहाँ आप लोगों को पार्किंग करना पड़ेगा। यहाँ सामने देखिए, यहाँ गाड़ी पार्किंग करने के बाद यहाँ से आप लोग चल के जा सकते हैं घूमने के लिए, नहीं तो एक ऑटो कर सकते हैं। ऑटो वाले आप लोगों से 500 से 700 रुपया चार्ज करते हैं, हमने 600 रुपया में एक ऑटो किया है। ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं इतना सारा जगह 2 घंटे में आप लोगों को घुमा देंगे। मैं जो ऑटो किया हूँ उनका नाम है विजय, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑटो वाले के साथ एक बढ़िया सा गाइड भी है, वो आप लोगों को पूरा पंचवटी बढ़िया से घुमा देंगे। जब आप पंचवटी घूमने के लिए आ रहे हैं उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग उन्हीं से अभी जानते हैं पंचवटी के बारे में। अभी हम पहुंच गए गोदावरी नदी के किनारे जहां पर कुंभ मेला होता है। अरुणा वरुणा गोदावरी, 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। सब भारत के साधु संत लोग ये जगह पे नहाने के लिए आते हैं। राम भगवान के पिताजी थे दशरथ राजा, उनका इस जगह पे अस्थि विसर्जन हुआ था, इसके लिए अपने हिंदू धर्म के लोग अस्थि विसर्जन पिंड दान करने के लिए जगह पे आते रहते हैं। जो बड़ा ध्वज लगा है ये कुंभ मेले का ध्वजा लगता है यहाँ पे। और ये गोदावरी माता का मंदिर है, इसको बोलते हैं दक्षिण वाहिनी गोदावरी। सामने से आ रहा है उसको बोलते गोदावरी, और इसके इधर से आता है अरुणा वरुणा, तीनों का मिलाम होता है, इसके लिए इधर कुंभ का मेला होता है। अगर आप लोग चाहे पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं, स्नान करने के बाद पंचवटी दर्शन के लिए जा सकते हैं। पंचवटी में त्रिवेणी संगम एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, इसके किनारे बहुत ही छोटा छोटा सुंदर सुंदर सा मंदिर है, कुछ देर घूम के आप लोग देख सकते हैं। जो जो जगह ऑटो वाले आप लोगों को घुमाएंगे, जैसे कि त्रिवेणी संगम अभी हम देखने के लिए आए, रामकुंड, गंगा, गदावरी, अर्धनारेश्वर, कपड़ेश्वर, सीता गुफा, पंचवटी में जो 5 पेड़ है, कालाराम टेम्पल और तपोवन घुमाने के बाद आप लोगों को जहाँ से वो लोग लेके आए वहीं पर
ड्रॉप कर देंगे। इसी त्रिवेणी संगम के किनारे आप लोगों को एक ही जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, त्रिवेणी संगम तीन नदी का जो संगम है, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और अर्धनारेश्वर महादेव और कपालेश्वर महादेव का दर्शन भी यहीं आप लोगों को करने को मिल जाएगा। एक ही जगह पर आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी अर्धनारेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं कपालेश्वर महादेव, यहीं पास ही है, दर्शन कर लेते हैं। कपालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर अभी हम आ गए, चलिए मुख्य मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चलते हैं। इस मंदिर का जो खासियत है, पूरा भारतवर्ष में एक लौता मंदिर है जहां पर नंदी आपको नहीं मिलेंगे। प्रभु शिव के मंदिर के आगे हर जगह आप लोगों ने नंदी देखे होंगे, यहां नंदी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको और एक मंदिर देखने को मिलेगा, गंगा और गोदावरी का एक अनोखा मंदिर जो हर 12 साल में एक बार खुलता है, बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर खुलता है और साल भर खुला रहता है। अभी हम पंचवटी पहुंच गए, चलिए सीता गुफा भी देखेंगे, यहाँ विजय जी से जानेंगे पंचवटी के बारे में। जय सिया राम। ये सीता माँ की गुफा है, यहाँ पे ये सीता माँ की गुफा है। यहाँ पे सीता मैया को एक दिन एक रात के लिए छुपा के रखा था राम भगवान ने, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में युद्ध होता है तो लेडीज को इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए जगह पे सीता माँ को छुपा के रखा था। रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसका नाक कट गया था, नाक कटने से घर वालों को गुस्सा आ गया था। ये पूरा दंडक वन दंडकारण्य जंगल था, ये जंगल में युद्ध होने के बाद में सीता माँ को कैसे क्या ढूंढेंगे, इसके लिए राम भगवान ने विटनेस के लिए 5 वटर वृक्ष लगाया। और 5 वटर वृक्ष से सिटी का नाम होता है पंचवटी। ये 5 पेड़ है, नंबर 1 आपके पीछे है, 2 सामने है, 3 उसके बाजू में है, 4 और इधर है 5। पांच पेड़ों से नगर बस्ती का नाम पंचवटी बोलते हैं। जय सिया राम। सीता गुफा और पंचवट वृक्ष देखने के बाद अभी हम चलते हैं जो कि पंचवटी में सबसे सुंदर सा मंदिर है, उसका नाम है कालाराम मंदिर। काला पत्थर से बना हुआ मूर्ति प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। और विजय जी से जानते हैं मंदिर के बारे में।
पंचोटी का मुख्य मंदिर है कालारामा मंदिर, ये सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया मंदिर है। ये मंदिर में हरिजन समाज को एंट्री नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह करने के बाद में सबको एंट्री मिला। इसके अंदर जो मूर्त है वो किसी कलाकार ने बनाए नहीं, यहाँ के राजा थे बाजीराव पेशवा, उनको रिवर के अंदर मिला था, और अरुणा वरुणा गोदावरी ये तीन नदी के संगम के अंदर मिला था, काला पत्थर का था, इसके लिए पूरा मंदिर काला पत्थर का बना गया है, जिसको वो जमाने में 35 लाख रुपया खर्चा आया था, अभी 35 करोड़ रुपया देके फिर से वैसा मंदिर बनेगा नहीं। जय सिया। अब ये सामने देखिए कालाराम मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, चलिए मंदिर के अंदर प्रभु राम माता सीता प्रभु लक्ष्मण के दर्शन कर लेते, दर्शन करने के बाद मंदिर का चारों ओर परिक्रमा कर लेते। कालाराम मंदिर का खूबसूरत सा दृश्य, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा मंदिर है, पूरा काला पत्थर से बना हुआ है। चलिए अभी कालाराम मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं तपोवन दर्शन करने के लिए। चलिए पहले सीता हरण जगह देख लेते। सर ये पूरे भारत में ऐसा एक ही मंदिर है जहाँ पे सीता मैया रावण को भिक्षा दे रही है, हर जगह पे जाते हैं सीता मैया आशीर्वाद देते हैं, इधर सीता मैया रावण को भिक्षा दे रही है, और सामने स्वयंभू 11 फीट की हनुमान जी है, मूर्त किसी कलाकार आर्किटेक्ट ने बनाए नहीं है, तो स्वयंभू जमीन में से 11 फीट की हनुमान जी ऊपर आ गए थे, 5 पांडव थे, 5 पांडव को व्यापार रूप में लेके वनवास हुआ था, तब इधर हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिया था। ये पूरा दंडक वन दंडकारण्य जंगल था, इस जंगल के अंदर बबूल का पेड़ आता था, बबूल के पेड़ के नीचे इसके लिए उनको बोलते हैं काट्या मारुति। और ये सीता हरण की जगह है, अपने हिंदू धर्म में बुधवार का दिन काला मानते हैं, कोई बहू बेटी की विदाई नहीं करते, क्योंकि इधर से सीता माँ को रावण लंका ले गए थे, इसके लिए अपने हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन काला मानते हैं। जय सिया राम। माता सीता को रावण ने जिस जगह से हरण किया था और प्रभु हनुमान के मंदिर देखने के बाद अभी चलिए चलते लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, चलिए प्रभु लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर लेते हैं। लक्ष्मीनारायण मंदिर दर्शन करने के बाद चलिए अभी चलते हैं सर्वधर्म मंदिर दर्शन करने के लिए। इस मंदिर को दर्शन करने के बाद तपोवन में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, हमारे साथ जो ऑटो वाले भाई है विजय, उनसे हम बहुत सारा जानकारी हम लोगों को मिल रही है, आगे भी और भी बहुत सारा जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग आ रहे पंचवटी घूमने के लिए तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रेट में और बहुत ही बढ़िया से गाइड करके आप लोगों को कम समय में घुमा लेंगे। अगर आप लोग चल के घूमते हैं तो बहुत ही टाइम जाएगा आपका, तो ऑटो जरूर कर लीजिएगा तो जल्दी आप घूम पाएंगे। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। ये सर जी पूरे भारत में ऐसा एक ही मंदिर है जहाँ पे लक्ष्मण भगवान अकेले खड़े, हर जगह पे जाते हैं राम लक्ष्मण सीता माता और हनुमान जी होते, यहाँ पे लक्ष्मण भगवान अकेले, क्योंकि रावण का बेटा था मेघनाथ,
मेघनाद को मारने के लिए लक्ष्मण भगवान ने इस जगह पे तपस्या किया था। ये भूमि को पहले बोलते थे दंडक वन दंडकारण्य, पर लक्ष्मण भगवान ने तप किया इसके लिए भूमि का नाम अभी गिर गया है तपोवन। इधर जो भी यात्री आता है वो बोलता है ये तपोवन है। और नीचे जाने के बाद कपिला गोदरी दो नदी का संगम, ये दो नदी के संगम के ऊपर रावण की बहन थी सूर्पनखा, उसका नाक कट गया था। नाक काट के गोदरी के बैक साइड डाल दे, इसके लिए शहर को बोलते नासिक। नाक काटने से नासिक गिर गया, इसको पद्मनगर बोलते थे। इधर रावण के घर जाने के पहले माता जी ने अग्नि में परीक्षा दिया था, तीन भगवान को साक्षी रखे ब्रह्मा विष्णु महेश सीता माता अग्नि प्रवेश। रावण जो लंका ले गए थे वो डुप्लीकेट मायावी रूप लेके गए थे, सीता माता का असल रूप यहाँ पे अग्नि में गुप्त रखा था। जय सिया राम। यह है लक्ष्मण जी, यहाँ नाक काट के गोदर के बैक साइड डाला, सिटी का नियम नासी। बरसात में पूरा वाटर आता है नाल महीना, ये दर्शन क्लो जिसमें ऊपर जगह का नाम है दंडक अरण्य तपोवन। ये है 12 साल कुंभ मेला यात्रा की भूमि। ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन। ये ब्रह्म तीर्थ शिव तीर्थ विष्णु तीर्थ मुक्ति तीर्थ अग्नि तीर्थ सीता तीर्थ सीता माता स्नान की जगह, इसको सौभाग्य तीर्थ के नाम से बोला जाता है। सामने है कपिल मुनि कपिलाश्रम। कपिल महामुनि तप करके नदी आई कपिला, नासिक से आई गोदावरी, दो नदी का कोने में संगम है। यहाँ का कथा भाग रामायण में आता है। जब रामचंद्र भगवान वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल स्वरूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव शंकर और विष्णु तीन भगवान के साक्षी से सीता माता यहाँ अग्नि में गुप्त हो गई। यहाँ से राम जी ने मायावी रूप निकाला, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण जो ले गया वो मायावी सीता, जिसका नाम वेदवती। सूर्पनखा लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा, मूल जगह यहाँ है। बारिश में पानी आता है, यहाँ का दर्शन बंद हो जाता है, इसलिए ऊपर पुतला सब। तपोवन में एक हाथी का आकार का वृक्ष से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है दर्शन कर लेते। दर्शन करने के बाद हम लोग अभी जाएंगे जहाँ से आए थे ऑटो में बैठ के, गोदावरी नदी के किनारे तट से, जहाँ पर गाड़ी वाला हमको लेके आया था पंचवटी घुमाने के लिए। वहाँ हम लोगों को अभी ड्रॉप कर देंगे। वहाँ एक सुंदर सा प्रभु शिव का मंदिर है, वो दर्शन करेंगे, और बढ़िया सा मिठाई का खाना पीना का दुकान है, वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊँगा नासिक घूमने में आप लोगों का कुल खर्चा कितना आएगा। अभी हम पंचवटी घूम चुके हैं। पंचवटी घूमने के बाद ऑटो से, जिस ऑटो से हम गए थे, विजय भाई हमको लेके गए थे गोदावरी के किनारे, फिर से वहीं पर ड्रॉप कर दिए जहाँ से हम गाड़ी लेके आए थे। हम लोग रिटर्न जाएंगे, वहीं पर एक सुंदर सा शिव का मंदिर है, चलिए दर्शन कर लेते। और आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ नासिक घूमने में आपका कितना खर्चा आ जाएगा।
मैं शिरडी में रुक के महाराष्ट्र का अलग अलग जगह घूम रहा हूँ। मैं शिरडी से नासिक घूमने के लिए आया था, तो पहले जान लेते शिरडी से नासिक अगर आप लोग घूमने के लिए आते तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का वन डे टूर में बता रहा हूँ। अगर आप लोग टैक्सी करके आते तो 3 से 3,500 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। होटल में अगर आप लोग रुकते हैं शिरडी में 800 से 1,200 रुपया खर्चा होगा। साई आश्रम भक्त निवास में अगर रुकते हैं आप लोग तो 250 से 500 रुपये के आसपास आपका खर्चा होगा। फूड में 800 से 1,000 रुपये आपका खर्चा होगा। पंचवटी घूमने में ऑटो जो आपको घुमाएगा 600 रुपया लेगा। कुल मिला के 6,500 से 7,000 रुपये में शिरडी से नासिक घूम के आप रिटर्न जा सकते हैं। वन डे टूर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं अगर आप लोग नासिक डायरेक्ट घूमने के लिए आते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का अभी मैं बता रहा हूँ। वन डे टूर प्लान नासिक में एक दिन अगर आप लोग रुकते हैं होटल में 800 से 1,200 रुपये में होटल आप लोगों को मिल जाएगी। साइट सीन के लिए अगर टैक्सी करते तो 1,500 से 2,000 रुपये खर्चा होगा। अगर ऑटो करते तो 1,200 से 1,500 रुपये आपका खर्चा होगा। फूड में 800 से 1,000 रुपया खर्चा होगा। कुल मिला के 4,500 से 5,000 रुपया में एक दिन नासिक आप लोग घूम सकते हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, मुक्तिधाम, पंचवटी। अगर आप लोग चाहे ब्रह्मगिरी पर्वत भी जा सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको टाइम लगेगा। नासिक में और एक खूबसूरत सा मंदिर है सप्तशृंगी माता मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। अगर आप लोग सप्तशृंगी माता मंदिर दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो नासिक में अगर आप लोग रुके तो 2 दिन आप लोग नासिक में स्टे करना पड़ेगा। अगर शिरडी से आप लोग सुबह जल्दी आते तो एक ही साथ में आप लोग मुक्तिधाम, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी और सप्तशृंगी माता देख के आप लोग रिटर्न भी जा सकते हैं। इसके लिए जो गाड़ी वाला आपको 3 से 3,500 रुपया लिया था और एक्स्ट्रा 1,000 रुपया ऐड कर लीजिए, मतलब 4 से 4,500 रुपया में सप्तशृंगी देख के भी आप लोग शिरडी रिटर्न जा सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग सप्तशृंगी माता दर्शन के लिए कैसे जा सकते हैं। मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय जगन्नाथ।